ट्यूशन फीस हमने क्लियर किया है टिल अप्रैल तक, और बस फीस भी हमने क्लियर किया है 50% जो हमने बस फीस भी भर ली है। तब हमने चेयरमैन साहब से बात की, हमने बोला उसके कहा भी हम 6,360 रुपीज हम किसके लिए चार्ज कर रहे हैं। उसने बोला कि ये आपको एनुअल फीस भरना है, ये जरूरी भरना है। हमने उसको बोला अभी हम एनुअल फीस नहीं भरेंगे, हमको आप आंसर शीट दीजिए। उसने इनकार कर दिया, नहीं आपको भरना ही, ये जरूरी भरना है, तब तक हम आंसर शीट नहीं देंगे आपको। तब हम डायरेक्टर साहब के पास गए, हमने वहां पे कंप्लीट की, हमने सीओ से बात किया है, तो तब भी वो मानने के लिए तैयार है। वो अपना जिद्दोजहद कर रहा है कि नहीं आपको ये भरना ही है। तो हम मजबूर हो गए पेरेंट्स यहाँ पे आने के लिए कि इकबाल मेमोरियल हमको हर वक्त इस्तेसार कर रहा है। पेरेंट्स को बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म, खासकर ये चेयरमैन किसी का बात नहीं मानने के लिए तैयार है। इस चेयरमैन को बोले आप सामने आइए और सामने बात कीजिए हमसे, हम बहुत तंग आ गए इकबाल मेमोरियल स्कूल से। आप डिमांड कर रहे हैं कि हमसे बात कीजिए, ये जो एनुअल फीस आप ले रहे हैं ये बंद कीजिए। जिनके पास सबूने भरा है अप्रैल तक, सबूने फीस भी भरा है, 50% बस फीस भी भरा है, तब भी हेरेसमेंट कर रहे हैं हमको, नहीं एनुअल फीस भर ली, एनुअल फीस भर ली। हम भी सफर कर रहे हैं, हमारा बिजनेस, हमारा सब बच्चे भी सफर हो रहे हैं। हम जाए तो जाए, कहा किसके पास जाए हम, वो घर में बैठ के बातें कर रहे हैं। आप जाइए किसके पास जाए, मैं गवर्नमेंट खुद हूँ, मैंने गवर्नमेंट बनाई, मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट कहीं ये नहीं मान रहा हूँ, तो फिर किसका मान रहा है वो? हम किसके पास जाइए? हम एलजी साहब से अपील कर रहे हैं कि जब वो गवर्नमेंट का कुछ नहीं मान रहा है, तब इसमें आप देखिए हमको क्या करना है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारी बात ये उसकी है, रिकॉर्डिंग है जो चेयरमैन साहब ने बात है कि हमको आप जाइए किसके पास जाए, मैं गवर्नमेंट खुद हूँ, मैं गवर्नमेंट की कोई बात नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। बस हम एलजी साहब से दरखास्त करना चाहते हैं, जो भी स्कूल एजुकेशन इस मामले आप जल्द से जल्द देखिए ये क्या बात है। चेयरमैन साहब खुदकुशी करने वाले हैं, हमको खाना नहीं है सर, हमको ऐसा चेयरमैन नहीं चाहिए। ये चेयरमैन को जल्द से जल्द धरे। चेयरमैन साहब को उतारिए, ऐसा चेयरमैन नहीं चाहिए हमको। चेयरमैन साहब और चेयरमैन को ऑडिट लगाना चाहिए। आप देखिए इसने इकबाल मेमोरियल सारा खरीद दिया है, ऑडिट लगना चाहिए। ये ट्रस्ट है, इसने कहाँ से पैसा लाया इतना? ये हमारा खून है, आज हमारा बिजनेस सारा ठप हो गया है। हम गवर्नर से यही अपील कर रहे हैं, प्लीज इस मामले में हमको मदद कीजिए। आप चीज के लिए हम आते हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे आंसर शीट हो, हर वक्त हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि नहीं जी पहले जी क्लियर कर दो ड्यूज, ठीक है, चाहे कुछ भी ड्यूज हो, चाहे एनुअल फीस, कंप्यूटर फीस, इवन की कंप्यूटर फीस ऑलरेडी इंक्लूड है एनुअल फीस में भी, लेकिन तब भी कंप्यूटर फीस अलग से देना पड़ रहा है हमें। हर बार हमें हैरेस किया जा रहा है, फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स हम हैरेस हो रहे हैं। हम आज इतना मजबूर हो गए क्योंकि 2 साल से हम सब घर के फंसे हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। सख्ती है इस वक्त बिजनेसमैन, क्या करें हम, प्लीज हमारी हेल्प के लिए आ जाइए, कोई ना कोई ले आ जाए। जब ये चेयरमैन हमको बोल रहा था बिजनेसमैन को हमको ट्रस्ट दीजिए, हम देते थे तब ट्रस्ट, आज कहाँ है चेयरमैन साहब? कहाँ है चेयरमैन? फ्लॉप हुआ है बिजनेस, ये हमारे बिल्डिंग हमारे पैसों से बन गई है। कल इसने खुद बताया फोन पे कि मुझे गवर्नमेंट के साथ कुछ नहीं है, वो मुझे गवर्नमेंट क्या करेगी? जाए जो है जाना है, जहाँ जाए जाओ, किधर जाना है, मैं गवर्नमेंट खुद हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। आपको एनुअल चार्ज भरना है वो भरना है, जबकि गवर्नमेंट क्लियर गवर्नमेंट ऐसे नहीं की अभी ये मत भरो।